में शूट करके दाते भर रहे, मिट्टियों को पैसे ला के लगाए, सो कारोबार है, फिर ये कारोबार को कैसा संभालना, कैसा करेंगे ये सब परेशानियों का हल को आज इमीडिएट हम यही अपील कर रहे हैं कि इमीडिएट से ये जो अंदर मुतवल्ली साहब की खुदकशी हुई वहाँ पर वो मुकाम पर ये लोगों के पूरे कारोबार लगा के देना और पूरा भरपूर यहाँ इनका जो भी मुआवजा है फर्दन फर्दन पूरों का मुआवजा देना, नहीं तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। कहने वाला कहकर अगर चुप हो जाता ना तो उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच जाता, लेकिन आप लोगों तो इंसान है ना, इंसानों पे रहम करो आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को भी एक जरिया भेजा ना हमारे वास्ते, हम लोग से आप लोग है, आप लोग से हम लोग नहीं है, हमारी हेल्प करो जरा, हमारे ऊपर जरा रहम करो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते हमारे ऊपर रहम करो, हम बहुत बेसहारा हो गए, हम गरीबों की हाय खाली नहीं जाएंगी किसी के ऊपर, एक आंसू हमारा खाली नहीं जाएगा, ये आंसू जो निकल रहा जो सबर कर रहे अल्लाह हमको सबर दे, लोगों को क्या दिख रहा कि हम बोल रहे 4 लाख का माल गया 5 लाख का माल गया, जो हमको मालूम है ये तकलीफ कितनी तकलीफ है, ये किसी को नहीं मालूम, हमारी जगह आके ठहर के देखे तो उनको पता चलता, पेट बहुत बुरा है, पेट के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमारे आदमियाँ परेशान है, हमको मालूम है हमारे घर के वहाँ की हालत कैसे है, हम किसी को बयान नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा रब जानता, हम बहुत परेशान है, हम हमारी मदद करने के वास्ते कोई अल्लाह के बंदे को ठहरा कर दी असद बाबा, जब कहीं दूर जगह पे ले जाके बिठा के ये लोगों के कारोबार लगा के देने के वास्ते में कौन खा रहा है, माइनॉरिटी कारपोरेशन के लोन चोरों को खिलाते क्या, आदमियों को खिला, इंसानों को खिला, मजबूर लोगों को खिला, नौजवान मुसलमान बच्चों को खिला, SC ST BC माइनॉरिटीज को खिला, धुआं देते खा को, आखिर बोर्ड की आमदनी कौन खा रहा, आखिर माइनॉरिटी कारपोरेशन का लोन कौन खा रहा, आखिर तेलंगाना का पैसा कौन खा रहा, ये सब क्या हो रहा, आखिर ये शहर हैदराबाद में दरगाह यूसुफैन में इतना बड़ा अन्याय नाइंसाफी हो चुकी है, ये लोग मजबूर है, ला इल्म है, ये लोगों को ये भी नहीं मालूम, कब्रिस्तान में हमको रात में आने के लिए खौफ घबराहट होती है, मगर आज इनकी जानों की परवाह किए बगैर, इनके फैमिलियों की परवाह किए बगैर छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ कारोबार लगा लेके यहाँ पर मौजूद रहकर मेहनत करके खा रहे थे, इनका पेट भर रहा था, इनके फैमिलियों का पेट भर रहा था, सेंटर जेल में बैठ के नहीं खा रहे थे, बाजाबता शहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफैन के दामन में बैठ के मेहनत करके खा रहे थे, किसके बाप का माल नहीं खा रहे थे, किसके घर में चोरी करके नहीं खा रहे थे, किसकी हुकूमत से छीन के नहीं खा रहे थे, किसके दादा का माल नहीं खा रहे थे, वो अपनी मेहनत से अपनी रोटी कमा रहे थे, मगर कुदरत को यह मंजूर है कि ऐसे पेटों पे लात मार दे के आज जल के वन्नी शापा राख हो चुके हैं, तो हम तेलंगाना गवर्नमेंट से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से अपील कर रहे हैं, इनका डिमांड है यहाँ पर मुतवल्ली साहब जो यहाँ पर खुदकशी किए हैं वो मुकाम पे यहाँ पर वो लोगों को शाप्स लगा के देना, उनके कारोबार का कितना नुकसान है वो नुकसान भी भरपूर करके देना, तेलंगाना गवर्नमेंट से देते वक्फ बोर्ड